गाइस मुझे लग रहा है यहाँ आगे पे कुछ तो सीन हो गया। बाकी मॉडिफिकेशन की कुछ दिक्कत वगैरह नहीं है क्योंकि मेरे बगल पे स्टिकर प्रिंटिंग वाले भैया रहते हैं। मैं अपनी डियो को हाईवे पे लेके गया था और उसके बाद उसमें वाइब्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी टाइम हो सुबह के 10:06 और अभी मैं रेडी होके कहाँ जा रहा हूँ, अभी मुझे जाना है पहले सब्जी मार्केट, उसके बाद लाइब्रेरी भी जाना है। देखूंगा अगर सब्जी मार्केट से आने के बाद टाइम लगा तो ही लाइब्रेरी जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। पहले मैंने सोचा था कि सब्जी मार्केट में सुबह जाऊंगा 7-8 बजे, बट फिर मैंने सोचा कि अगर 7-8 बजे वहाँ चले गया उसके बाद वहाँ से आके थकान लगती है ना, तो फिर ब्रेकफास्ट बनाने का मन नहीं करता, तो इसलिए मैंने बोला कि पहले ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके वहाँ सब्जी मार्केट जाएंगे। बाकी आज बाहर ना धूप बहुत ज़्यादा तेज लगी यार, बहुत ज़्यादा, मतलब बादल तो एक भी नहीं यार। एंड अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस पे ना ये राइट साइड बहुत ही मतलब वाइट वाइट सा ऐसा दिख रहा है, एक्सपोज टाइप का, बहुत पता नहीं ये लाइट कहाँ से आ रही है यार, मतलब बाहर से ही आ रही होगी धूप की, बट आई डोंट नो कहाँ से आ रही है, जस्ट लीव इट। तो अभी मैंने झोला वगैरह सब कुछ रख दिया है तो इसमें मैं सब्जी वगैरह लाऊंगा, तो अभी आपको सीधा मोटो ब्लॉग पे मिलेंगे। पहले मेरा मन तो नहीं कर रहा था इतनी धूप में का, बट फिर मैंने बोला कि चलो कर लेते कोई बात नहीं। सो गाइस अभी मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, शूज़ वगैरह मैंने सब कुछ डाल दिए एंड अभी फ़ोन ताला और झोला रखते हैं एंड निकलते हैं भाई यहाँ से, लाइट वगैरह बंद करते हैं। चलो भाई चाबी गिर गई मेरी। सो गाइस अभी मैं निकल चुका अपने घर से और टाइम हो रहा अभी 10:20 और घर से निकलते भाई ये भीड़ पता नहीं कहाँ ही जा रही है, वरना ये वाली रोड तो हमेशा खाली रहती है। और गर्मी इतनी लग रही है ना सच में, अभी तो मैं घर से बस निकला ही हूँ यार और अभी से इतनी गर्मी लगने लग गई, वहाँ सब्जी मार्केट जाते जाते तो मेरे पता नहीं क्या ही हाल हो जाएंगे सच में। बहुत तेज़ गर्मी लग रही है यार, बहुत तेज़ गर्मी। एंड आजकल का वेदर ऐसा और है ना, मतलब एकदम सुस्त वाला वेदर सच में, कभी बारिश आ रही कभी धूप आ रही, मतलब धूप में तो काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता यार, सुस्ताई ऐसे आती है ना घर में रह के। और आजकल के दिन मेरे इतने बिजी से चल रहे ना, मतलब क्या ही बताया यार, पहले मैं दिन में 2-3 घंटे तो आराम से सोता था, बट आजकल 2-3 घंटे क्या 2-3 मिनट यहाँ पे सोने का टाइम भी नहीं मिल रहा सच में, मतलब इतने बिजी, कभी प्रैक्टिकल चल रहे कभी फिर ब्लॉग एडिट करना होता है, अतः क्या ही बताया। कल मैं अपना एक ब्लॉग एडिट कर रहा था तो मैंने ब्लॉग एडिट किया, उसे एक्सपोर्ट वगैरह रेंडर पे लगाना था और बीच में मुझे मतलब बैठ गई, एडिट करते करते नींद आ गई, 12:30 बजे मैं सोया और 1:30 बजे अचानक से मतलब मेरी नींद ऐसे खुल गई, मैंने अचानक देखा मैंने बोला ये लैपटॉप यहाँ पे कहाँ से आया, फिर मुझे ध्यान आया भाई यार मैं तो एडिटिंग कर रहा था, तो मतलब इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना। और एक तो मौसम भी ऐसा है सुस्ताई वाला, तो क्या ही बताएं, घर में रहेंगे तो और ज़्यादा सुस्ताई आएगी। बाकी आजकल मैं बिज़ी हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिज़ी डे इज़ अ गुड डे, और अगर घर में रहते हैं खाली दिमाग रहता है खाली दिन रहता है तो वही शैतान का दिमाग होता है यार, तो इसलिए भाई कुछ ना कुछ काम तो करना चाहिए, छोटे मोटे काम ही हो, मैं घर से बस बाहर निकलना चाहता हूँ। और अगर घर में रहेंगे तो वो पूरा टाइम इंस्टाग्राम में ही जाता है यार, रील्स स्क्रॉल करने करते 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 कभी 1-2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चलता। तो मैं तो मतलब कुछ भी करके अपने आप को ना इंस्टाग्राम से काफ़ी दूर रखना चाहता हूँ, मतलब ये नहीं बोल रहा कि इनएक्टिव होना चाहता हूँ, बट रील्स वगैरह काफ़ी कम देखना चाहता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट होता है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, एक रील देखेंगे फिर दूसरी फिर तीसरी, बप मतलब 100-200 रील कब हम स्क्रॉल कर देते हैं ना, टाइम का पता ही नहीं चलता यार। भाई अभी ना इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, ऐसा लग रहा है कि हम कूलर के सामने बैठे हैं, एकदम ही अच्छा फील हो रहा है इस टाइम पे, मतलब ऐसा धूप महसूस नहीं हो रही यार, इतनी तीखी वाली धूप है, वरना फिर यहाँ पे धूप आ गई, मतलब जहाँ जहाँ पे बादल है ना, चलो जहाँ जहाँ पे बादल है वहाँ पे उतनी धूप नहीं है, और जहाँ पे बिल्कुल भी बादल नहीं है वहाँ पे तो एकदम इतनी तीखी धूप लग रही है ना, मतलब बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा, मतलब पैदल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है समर्स के टाइम में दिन में घूमना, मतलब 10 बजे भी फिर भी ठीक है 10 बजे, बट 12-1 बजे तो मतलब बुरे हाल हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल। और यार आजकल मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट की जा रही है मेरी डियो को लेके कि डियो को मॉडिफाई करो, आप डियो को मॉडिफाई कब कराओगे, तो यार बी ऑनेस्ट बताओ ना, मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं है, ठीक है आप लोग भी देखना चाहते हो कि कैसी मॉडिफिकेशन होती है डियो में, या फिर मेरी स्कूटी की मॉडिफिकेशन देखना चाहते हो, बट बी ऑनेस्ट बताओ सच में मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं है यार, मुझे पता है स्कूटी को 2 साल होने वाले हैं बट फिर भी मेरा अभी मन नहीं कर रहा, जैसी है ना ये, मतलब इसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है मुझे, येलो डीजल एंड ब्लैक कलर। हाँ भैया अंदर से निकल रहे हो तो ना हॉर्न मान के तो चलो। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही मस्त है यार, और यहाँ नीचे पेंटिंग देखो भाई कितनी आजकल ही बनी है ना, काफ़ी अच्छी लग रही है यार। अभी तो यहाँ पे हमारी रेड लाइट है तो स्कूटी बंद कर देते हैं फिलहाल, पता नहीं कब तक खुलेगी हमारी रेड लाइट, बट इस वाली रेड लाइट पे ये फ़ायदा है कि यहाँ पे फ्लाई ओवर है ना, तो हम अभी छाया में हैं, वरना कभी किसी और जगह पर रहते हैं ना तो वहाँ पर इतनी तेज़ धूप पड़ती है एकदम से ऐसा दिमाग गर्म हो जाता है ना बिल्कुल ही। गाइस मुझे लग रहा है यहाँ आगे पे कुछ तो सीन हो गया, क्योंकि 2-3 मिनट हो गया यार तब से रेड लाइट खुली नहीं, वरना बस कुछ सेकंड का डिफरेंस रहता है,
और कुछ सेकंड में खुल जाती है, बट पता नहीं क्या हो गया आगे पे, कुछ तो ट्रैफिक वगैरह लगा, एक टेम्पो फंसा है या फिर। गाइस अभी फाइनली हमारी रेड लाइट खुल चुकी है भाई इस साइड की, मतलब 10-15 मिनट से खुली नहीं रही थी यार, पता नहीं क्या सीन है। और वहाँ पे एक अंकल थे विक्रम वाले, मैंने उनसे पूछा कि अंकल इतना ट्रैफिक क्यों है, तो अंकल ने बताया कि आज तो पूरे शहर में ट्रैफिक ही होगा, जस्ट बिकॉज कि आज जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है ना, वहाँ एक शोभा यात्रा जानी है करके सहारनपुर चौक से। तो यहाँ देखो, यहाँ बगल देखो मेरे बगल पे, भाई कितना लंबा ट्रैफिक लगा यार, मुझे लग रहा मैं तो आज बेकार ही निकल गया, और वो भी इस टाइम पे। भाई मुझे नहीं पता था, मुझे तो अभी अभी पता चला, अंकल के विक्रम पे एक पोस्टर लगा था, फिर मैंने अंकल से पूछा, फिर अंकल ने बताया, और फिर अभी मुझे पता चला। बाकी चलो कोई बात नहीं यार, अगर हमें भी यात्रा देखने का मौका मिल गया तो अच्छी बात है, वरना हम घर निकल जाएंगे अपने काम निपटा के। हाँ तो हम कहाँ थे, हम थे डीओ की मॉडिफिकेशन पे। तो हाँ मैं वही बोल रहा था, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं यार कि मॉडिफाई कराओ, मतलब वही है यार, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि इसका जो रॉ कलर है ना, मतलब मुझे अभी वही सही लग रहा है। बाकी दूसरी बात कि मुझे नहीं पता कि मैं अपने डीओ पे क्या ही मॉडिफिकेशन कराऊंगा यार, क्योंकि मैंने आज तक मतलब किसी भी चीज़ पे मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं कराई है, ना ही मुझे मॉडिफिकेशन के बारे में ज़्यादा पता है यार। और एक बार के लिए तो मैंने स्टिकर वगैरह देखे भी थे डीओ के लिए, तो मुझे वो इतने पसंद नहीं आया सच में बताऊं, तो मैं ढूंढ भी रहा था एक टाइम पे, फिर मुझे मिले नहीं, फिर मैंने उम्मीद ही छोड़ दी, मुझे लगा कि नहीं मिलेंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रिंट होगा, कोई ऐसा स्टिकर होगा डीओ के लिए, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना यार, मैं सोचूंगा। और देखो अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट आते हैं ठीक है, तो मैं भाई नेक्स्ट मंथ यहाँ पे पक्का बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन तो मैं अपनी डीओ पे पक्का कराऊंगा। वैसे मैं टारगेट वगैरह कभी नहीं रखता, आज तक मैंने रखे नहीं, बट आप लोग बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मॉडिफाई कराओ, तो या मैं कुछ ना कुछ तो पक्का कराऊंगा, इस महीने नहीं नेक्स्ट मंथ कराऊंगा, मतलब ये महीना बस जाने तो वाला है यार, बस कुछ दिन की बात है, 3-4 दिन की बात है। बाकी मॉडिफिकेशन की कुछ दिक्कत वगैरह नहीं है, क्योंकि मेरे बगल पे स्टिकर प्रिंटिंग वाले भैया रहते हैं, तो या मैं उनसे प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ करवा लूँगा। एंड अभी सब्जी मार्केट बस आने वाला है, और होप कि वहाँ भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले यार, वहाँ तो कुछ ज़्यादा गर्मी लगती है यार। वेदर देखो अभी हर 5-5 मिनट में चेंज हो रहा है, कभी धूप आ रही है कभी नहीं आ रही है, अभी देखो छाया आ गई, फिर थोड़ा सा आगे जाऊंगा फिर धूप आ जाएगी, फिर थोड़ा सा और आगे जाऊंगा फिर वहां पे छाया आ जाएगी, तो ऐसा चलते जा रहा है मेरे साथ सुबह से। ओह फाइनली भाई मंडी के अंदर आ गया हूं मैं। गाइस अभी इतनी सब्जी तो मैंने ले ली, टमाटर लिया, शिमला ली, और बीन ली, और मटर मिल गया, पता नहीं कहां से, मतलब इस मौसम में मटर भाई एक जगह पे थे तो मैंने ले लिए, क्योंकि मटर मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है यार। और अभी मुझे यहाँ कहीं से प्याज उठाना है, चलो भाई प्याज भी अपने को मिल गया। एंड अभी यहाँ से सीधा घर जाते हैं, बिकॉज जितनी सब्ज़ी मुझे लेनी थी उतनी मैंने ले ली, और जितने पैसे मैं घर से लाया था वो सारे ख़त्म हो गए, ना थोड़ा सा ही बचे अभी। चलो भाई अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं एंड घर के लिए जाते हैं भाई। और यार मुझे एक भाई का ये मैसेज आया था कि मैं अपनी डीओ को हाईवे पे लेके गया था, और उसके बाद उसमें वाइब्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भाई अगर आप डीओ को या फिर कोई जो दूसरी स्कूटीज वगैरह रहती है ना, अगर आप हाईवे पे ले जाते हो तो कोई इशू नहीं होता है, बट अगर आप उसे हाईवे पे एकदम फुल स्पीड में ले जाते हो 80-90 पे, तो भाई पीछे से ना, यहाँ पीछे मतलब साइलेंसर साइड से एकदम जो वाइब्रेशन की जो अजीब टाइप की आवाज़ आती है, झिन 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 ऐसे टाइप की आवाज़, वो बस आपकी स्कूटी में नहीं मेरी स्कूटी में भी आती है, तो इसलिए मैं स्कूटी वगैरह को उतना नहीं भगाता, मैक्सिमम 70-75 इतना बहुत ज़्यादा यार। ओ भाई मर्सिडीज कितनी मस्त सी लग रही है, हाय हाँ तो अरे वाह कावासाकी भाई क्या ही बताएं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, एकदम से गाड़ी वगैरह दिख रही, इतनी अच्छी गाड़ी, इतनी अच्छी बाइक, क्या था मैं कह रहा था, भूल ही गया शिट। हाँ तो अगर आप किसी भी स्कूटी को स्पीड में चलाते हो तो भाई वाइब्रेशन वगैरह आते हैं, बाकी फाइबर बॉडी में जैसे डीओ हुआ, एंटॉर्क हुआ, और भी जो फाइबर बॉडी की स्कूटीज रहती है ना, उनमें वाइब्रेशंस तो आते हैं यार। और अगर आपकी स्कूटी में ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह आ रहे हैं तो एक बार आप सर्विसिंग वगैरह करा लो, या फिर जो भी उसके पार्ट्स वगैरह स्क्रूज वगैरह रहते हैं उन्हें एक बार चेक करवा लेना, क्या पता वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हुए होंगे तो उन्हें एक बार टाइट करवा लेना यार, क्योंकि मेरी स्कूटी में भी वे थे, तो जब मैंने सर्विसिंग कराई थी ना तो जो भी वाइब्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम थी वो उन्होंने ठीक करके दे दी थी, तो अब तो उतने वाइब्रेशन नहीं आते। हाँ बस आगे आगे आते हैं, ये आगे बोनट पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया भी था कि इसका एक स्क्रू गायब ही हो गया है, तो जब कभी टाइम मिलेगा, मुझे एक तो टाइम ही नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यार। और अभी यहाँ से मेरा घर बस आने वाला है। सो ओके गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा सो प्लीज़ हिट द लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट विल योर फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाय पुचिक।